गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। चले करते हैं दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हुई है किचन में। भाई मुझे उठा के आया था, वो छोटे वाला भाई जल्दी जाता है ऑफिस, तो भाई मुझे उठाने गया कि फटाफट उठ जा बहन, मेरा खाना बना दे, क्योंकि आज मैं सुबह उठ ही नहीं पाई थी, क्योंकि कल हम गए थे शादी में, तो मेरी आँख ही नहीं खुली। तो फिर फटाफट से मोंटी गया ऊपर कि बहन उठ जा, मेरा खाना बना दे। तो फिर मैंने उसका खाना बना दिया है। मैंने उसका खाना बनाया आज, आलू गाजर मटर की सब्जी और रोटी लेके जाता है वो दो। तो आज कीवी वो चला गया, और कीवी गया रही है स्कूल में, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं थक रही हूँ तो कीवी भी थका हुआ होगा। तो बोल रहा था मम्मा प्लीज़ 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 मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज़ मम्मा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सो जाने दो उसको। लंच में तो मैंने आज बनाया है आलू गाजर मटर की सब्जी, क्योंकि भाई लेके जाता है, सुबह ही बन जाता है लंच, कभी कभी दोपहर में बनता है। और अब नाश्ते में बन रहे हैं हमारे आलू बथुए के पराठे। और इंजीनियर साहब तो खाते नहीं हैं आलू बथुए के पराठे, और खा भी लेंगे तो पहली बात तो मना ही कर देंगे, क्योंकि वो दलिया खाएंगे। आरती दीदी बना देती हैं वहाँ पे दलिया उनके लिए, तो अब मैं बथुए के पराठे बनाती हूँ, फिर हम करेंगे इंजॉय। चाय के साथ हम खाएंगे आज बथुए के पराठे। शाबाश। और मम्मी चली गई है ऊपर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मम्मी धोती हैं। और आज मेरा पता क्या, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आज मैं नहाऊंगी नहीं, आज मैं ऐसे ही रहूंगी। हाय हाय। क्योंकि आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है नहाने का। बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि आज बच्चों का डे है नहाने का। और मायके में तो चल ही जाता है कि अगर एक दो दिन स्किप हो जाए कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन, आज मैं नहाती हूँ, आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी नहाने का, तो आज मैं नहीं नहाऊंगी और कपड़े चेंज कर लूँगी। चलो इतना रहम तो कर दूंगी मैं अपने ऊपर कि कपड़े चेंज कर लूँगी, लेकिन आज मैं नहाऊंगी नहीं। जी। और यहाँ पे करा है कि भी काम ट्यूशन का, क्या हुआ? हाँ बोलो। मेरे को सिक्स की स्पेलिंग नहीं आ रही। यहाँ पे लिखो एस आई एक्स सिक्स आई एक्स एक्स, वेरी गुड। यहाँ पे बन रहे हैं बथुए के पराठे गरम गरम। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और चलते हैं अभी अपने ससुराल में। इंजीनियर साहब का आया था फोन कि मेरे कपड़े धो जाओ, मेरे कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे, तो चलते हैं घर पे, उनके कपड़े धोऊंगी पहले तो। और आलू गाजर मटर खाने के लिए उन्हें कर दी थी मना, अब मैंने उनके लिए बनाई दाल तड़का। देखिए गाइस, वो गए हुए जिम में, अब मैं उनके लिए खाना लेके जाऊंगी। ये नहीं क्योंकि पहले खाना खा लेते, अब वो जिम में गए हुए हैं, अब वो खाना खाएंगे। उनके लिए बन गई दाल तड़का, बस अब चलते हैं उनका खाना लेने के, खाना लेके और उनके धोएंगे कपड़े। बिजी शेड्यूल साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और बना दिया है उनके लिए बथुए का रायता, पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने बना दिया है बथुए का रायता उनके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गई थी कीवी को स्टेशन छोड़ने के लिए, लेकिन कीवी गया ही नहीं है। कीवी वापस आ रहा है मेरे साथ, बोल रहा है कि अभी गोलू नहीं आया, टुक्कू नहीं आया, तो इसलिए मैं भी नहीं जाऊँगा। तो मैं इसको घर लेके जा रही हूँ, वहाँ से बच्चों को लूँगी, तब इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। और अभी मशीन लगाऊँगी, कपड़े धोऊँगी इंजीनियर साहब के, क्योंकि उन्हें जाना है परसों कहीं। बोल रहे थे कि मेरे कपड़े गंदे होने, मेरे कपड़े धो के चली जा, तो चलते हैं घर पे धोएंगे उनके कपड़े। पता नहीं बेटा मेरे को तो कहाँ जाना है, वो मुझे बताते थोड़े ही। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। आपने भी ब्लॉग में तो बोला था आपके डैडी जा रहे हैं अयोध्या राम जी के मंदिर में। और आ गई मैं घर पे, ऊपर कोई भी नहीं है, सब नीचे बैठे हैं। इंजीनियर साहब गए हुए हैं जिम में, तो चलो जी देखो कहाँ रखे उन्होंने अपने कपड़े। इतने सारे कपड़े निकाल दिए उन्होंने, जैकेट वगैरह सब धोनी है क्या? इतने सारे कपड़े निकाल दिए, ये भी धोने, सब धोने। चलो जी लगाते हैं मशीन। गाइस मैं इनके कपड़े धोने आई, बारिश आ रही है, कहाँ सुखाऊं कपड़े, तो इसलिए मैंने स्टैंड पे सुखा दिए हैं। और ये आ गए जिनसे, कौन से वाली? ये वाली भी धोनी थी। अब ये ना आप अपने आप से धो लेना, आप बोल रहे ना मैं तो खुद ही धो लेता कपड़े, तो अभी आप खुद धोना। साबुन गजब बेइज्जती है, लगा लगा के जूना लगा लगा के। मैं धोलूंगा, शादी करी थी मैंने, कपड़े धुलवाने के लिए शादी करी थी क्या? और क्या? अच्छा जी, क्या शादी करवा के कपड़े धोते हैं और क्या? या हनीमून पे भी तो जाते हैं।
ये मुझे लेके ही नहीं गए आज तक। तुम्हारी सोतन को लेके गया था ना नैनीताल अभी? हां तुम्हारी सोतन को लेके गया था ना नैनीताल? नैनीताल कौन गया था? 11 साल बाद। हां जी जा रही हूं मैं, हो गया आपका काम। तो गाइस जिम से आके मैंने देखा मैडम आई थी घर पे और ये कपड़े वपड़े धोने में लगी थी। और ये देखो के भी आज घर पे मिलने आ गया मेरे से। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ। घर? ये किसका घर है फिर? ये आपका है। अच्छा ये मेरा घर और तुम्हारा घर है? मेरा वो सोच भी ले है। सोच के बोलना। वो भी नहीं है, वो मेरा मेरा ये है ना, मेरा वो है। कोई अच्छा। लड़कियों को कोई घर नहीं होता। अच्छा अरे बाबा ठीक है जी बाय बाय। और आज मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ ओट्स वाला दलिया, जो इंजीनियर साहब के लिए बनाती थी पहले, कैरेट डाल के स्वीट कॉर्न डाल के। और मैंने ओट्स डाल रखा है इसमें और ये मैगी मसाला डाल दूंगी मैं। अब देखते हैं उसे कैसा लगेगा, क्योंकि वो अभी जिम से आया है। तो जैसे मैं उनको देती थी ऐसे मैं इसको दूंगी, देखूंगी इसको कैसा लगेगा खा के। अगर इसको अच्छा लगेगा तो फिर बाद में बना दूंगी, नहीं तो फिर आज ही बनाती हूँ बस इसको। भाई आज दलिये में ओट्स वाला दलिया बना रही, कोई नहीं परेशान करता तुझे, देखियो खा के कैसा लगेगा। ठीक है ठीक है। और आज डिनर मैंने बनाया था, मूंग की दाल की खिचड़ी पूजा के लिए, और अपने लिए बनाई थी मटर पुलाव। तो हम सब ने डिनर कर लिया है, और मम्मी ने खाई थी आज रोटी, और भाई के लिए बना दिए मैंने डाइट। तो सबका अलग अलग डिनर हो चुका है ना की भी? और ये देखो आटे से कैसे खेल रहे हैं, रो रो के उन्होंने में से आटा ले लिया है। गाइस आ गए हैं प्रीशा से मिलने। हेलो हेलो पापा, नमस्ते मम्मी, नमस्ते। हेलो बढ़िया बढ़िया, हाथ से भी खाने चाहिए। ओ तेरी क्या हो गया भाई, क्या हो गया डैडी? हेलो बाय बाय, चल बाय कर, बाय कर, चल बाय कर, बाय प्रीशा, बाय कर। चलो भाई चलते हैं, चल निकलने का टाइम हो गया, 5 मिनट के लिए आया था बस। थैंक यू फॉर कमिंग, दिखा दिया। हेलो किरू, हेलो जीतू। ओए बाबा रोने लगी वो, बस भर में बेटा बस है ना। नहीं बेटा छोटा, ओए मम्मी छोटी है वो। देखो मैं लोग में किरू आ गई, और दोस्त आज मैं स्कूल नहीं रहा था, और आज मैं डैडी के पास खाना खाया, और आज मैं ट्यूशन नहीं।